हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो में सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मेथड के बारे में जानेंगे। मित्रों, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, यानी कि दूसरी मोटर जैसे कि इंडक्शन मोटर की तरह सप्लाई देते ही स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर को हमें सेल्फ स्टार्टिंग बनाना पड़ता है। ये कैसे किया जाता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, अब हम देखते हैं सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। मित्रों, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने के टॉप 5 मेथड देखते हैं। तो मित्रों, पहला है रिड्यूस फ्रीक्वेंसी मेथड, दूसरा है बाय यूजिंग इंडक्शन और पोनिमो मोटर, आगे है बाय यूजिंग डीसी मशीन, आगे है बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग और बाय यूजिंग स्लिप रिंग असेंबली। तो मित्रों, पहले देखते हैं रिड्यूस फ्रीक्वेंसी मेथड। मित्रों, सिंक्रोनस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखिए मित्रों, ये सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन, इसमें देखिए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी घटा के स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड घटा सकते हैं। स्टेटर की स्पीड कंट्रोल करके स्टेटर एंड रोटर को लॉक कर सकते हैं। मित्रों, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए VFD का उपयोग किया जाता है। VFD यानी कि मित्रों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग होता है। अब मित्रों, आगे देखते हैं बाय यूजिंग इंडक्शन मोटर और पोनी मोटर। मित्रों, पोनी मोटर एक स्मॉल इंडक्शन मोटर ही कहा जाता है। मित्रों, इसमें स्मॉल इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। प्रारंभ में इंडक्शन मोटर के साथ चलती है, बाद में डिसकनेक्ट किया जाता है सिंक्रोनस मोटर को। अब मित्रों, आगे देखते हैं बाय यूजिंग डीसी मशीन। मित्रों, इसमें रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण EMF इंड्यूस होता है। EMF के कारण करंट इंड्यूस होता है और रोटर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमने लगती है। अब मित्रों, आगे है बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग। लोअर रेटिंग की सिंक्रोनस मोटर के रोटर वाइंडिंग को अलग कॉपर ब्रश के साथ डिजाइन किया जाता है और एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। देखिए मित्रों, इमेज में ऐसे डैम्पर वाइंडिंग होता है, ये अलग से वाइंडिंग किया जाता है। ये एडिशनल वाइंडिंग को डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करने की। इसका उपयोग ज़्यादा होता है डैम्पर वाइंडिंग का। मित्रों, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग ज़्यादा यूज होता है। अब मित्रों, आगे देखते हैं बाय यूजिंग स्लिप रिंग असेंबली। मित्रों, डैम्पर वाइंडिंग और इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं दे सकता। सिंक्रोनस मोटर को इसलिए स्लिप रिंग असेंबली लगाई जाती है। इसमें डैम्पर बार की एंड रिंग के साथ रेजिस्टेंस सर्किट कनेक्ट की जाती है। स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस होता है, बाद में स्पीड बढ़ने पर रेजिस्टेंस कट कर दिए जाते हैं। तो मित्रों, ये थी सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने की मेथड। तो मित्रों, जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।